हाँ मैम, पहला मतलब सवाल। यस बैंक है सर, ओ हाँ, यस बैंक है, 19,250 शेयर्स हैं 15 की प्राइस पे। और यस बैंक जब बहुत चला, मतलब अभी हाल में तब लिया हुआ था? हाँ जी सर, अभी लिया था दिसंबर में। लग रहा क्यों लिया था याशिका मैम? मतलब उस टाइम पे मोमेंटम को चेज कर रहे थे या सोचा था कि ये लंबी अवधि में बहुत तेजी दिखाएगा तो रख लेती हूँ इस टाइप की? वो जो सपोर्ट रही है वो मैनेजमेंट, एसबीआई की एम्प्लॉय हूँ, मुझे अपने मैनेजमेंट पे भरोसा सा हो गया था। तो अभी भरोसा सही लग रहा है कि गड़बड़ लग रहा है? वो तो तभी पूछने के लिए फोन किया सर। तो आशीष सर, मैनेजमेंट एसबीआई का था, उस पे भरोसा है, वैसे अभी भी है बोलूंगा ना याचिका मैम। सर अभी भी, अभी कैसे बोले, याचिका मैम का भरोसा है यस बैंक। बीच में मोमेंटम तगड़ा था, 21 रुपए तक गया था, लग रहा निकल जाएगा, इस बार मैंने ले लिया और ले लिया तगड़ी क्वांटिटी, 19,000 शेयर्स रख लिए। ये भरोसा तो बना रहेगा ना, बना रहना चाहिए ना आशीष सर, या ये गड़बड़ हो गया मामला? क्योंकि अब मेरी बाइंग से 5-6 रुपए ये स्टॉक नीचे आके खड़ा हो गया है। बिल्कुल आपके जैसे इनफैक्ट काफी सारे निवेशक ऐसे स्टॉक में ट्रैप हैं और वेट करते रहते हैं कि कैसे थोड़ा मूवमेंट आए और स्टॉक में से निकले। क्या देखिए, 5,000 करोड़ से ज्यादा की शेयर कैपिटल है यस बैंक की आज, और 2 रुपए पेड अप शेयर है, तो इतनी ज्यादा सप्लाई है। और सबसे ज्यादा इंडिया के जो शेयर होल्डर्स हैं वो अभी यस बैंक में है, और उसके ऊपर यदि थोड़े खराब नतीजे जैसे इस क्वार्टर में आ गए तो वो एक और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है स्टॉक के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत जल्दी ये भाव देखने को दोबारा आपका वापस मिलेगा। मेरी सलाह रहेगी कि एक बार आप इसमें से लॉस बुक करने का प्लानिंग करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको 1 या 1.5 रुपए के मूवमेंट में ही महीनों निकल जाते हैं ऐसे स्टॉक में। और वर्स्ट न्यूज़ जो खराब खबर आती है उस पर ज्यादा रिएक्ट करता है, और अच्छी खबर पर उतना रिएक्शन नहीं होता ऐसे स्टॉक में। तो आप निकल जाए इसकी बजाय मैं आपको सजेस्ट करूंगा टैक्स मैको रेल का स्टॉक में आप निवेश करें, जो अभी 50 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, और जो रेलवे सेक्टर में जो डिमांड बनी हुई है मुझे लगता है अभी भी काफी अंडर वैल्यूड स्टॉक है, कि रेलवे के वैगन्स और जो दूसरे इक्विपमेंट्स हैं वो ये कंपनी बनाती है। तो 50 रुपए के आसपास यदि आप इसमें निवेश करते हैं तो मुझे लगता है यहाँ पे करीब 30% का रिटर्न अगले 6 महीनों में टैक्स मैको रेल में बन जाएगा, और यस बैंक में मुझे बहुत ज्यादा अगले 6 महीनों में एटलीस्ट उम्मीद है। और